हम जनता से बोल दिया अगर काम मेरा संतुष्ट होगा वोट दीजिए, अगर लगेगा नहीं हमको से कोई अच्छा आदमी है आपको लगता है कुछ ज्यादा काम करेगा तो उसको वोट दीजिएगा, हमको कोई वोट की जरूरत नहीं है, अगर काम किए होंगे तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए, उसके लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। ऐसे शिक्षक ठीक है और शिक्षा में हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है और इसको ज्यादा से ज्यादा मैं सुधार करूंगा। जिसको जरूरत है मतलब कि कभी भी किसी कष्ट के लिए किसी को मतलब हम छोड़ते नहीं है। मैं पटना रहता हूँ वहाँ भी जाता है तो गाड़ी घोड़ा मतलब जो भी है कोई भी छठ मुहर्रम दशहरा मतलब सेवा करते रहते हैं। अब उसके बाद कोरोना महामारी था तो 20 लाख रुपये का लमसम अपने भगवान मुझे इतना दिए हैं, भगवान बाबा दादा का संपत्ति है कि उससे मैं कोरोना महामारी में मतलब नगर पंचायत में ही नहीं दिनारा विधानसभा में कई जगह सिजपुरा दावत दिनारा गंज भसड़ा विक्रम में जाकर मैंने राशन वितरण शाम मतलब कि जनता खुश है। आज के डेट में अगर हम वोट मांगने जाते हैं तो मेरा कहीं शिकायत नहीं मिलता है। हमको लगता है कि जनता फिर से हमको मतलब कोई मतलब ये नहीं है कि हम चेयरमैन है तो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, चाहे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला। आप 15 साल में मतलब कि 5 साल पहले जो जीते हुए थे थोड़ा कठिनाई हुआ था हमको काम करने में, उतना मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन अब हमको आसानी से हर चीज़ मैं पटना या मतलब जिला में या कहीं भी फंड के लिए पैरवी कोई। मैं सबसे पहले तो मेरा कार्यालय नहीं था नगर पंचायत, भाड़ा पर चलता था, जगन्नारायण छत्रवास के कार्यालय भाड़ा पर एक मात्र रूम था। अब इतना अच्छा हम कार्यालय बनाए हैं कि कहीं कहीं आपको नगर पंचायत में नहीं मिलेगा। यहाँ पर नगर पंचायत में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, हिंदू मुस्लिम किस तरह से यूनिटी बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सन ऑफ फार्मर और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं रोहतास जिले के कुआत नगर पंचायत में और वैसे ही विजिट करने का काम कर रहे हैं, कोशिश जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच में भी जाने का हम काम कर रहे हैं जो कि अभी कुआत नगर पंचायत से जो कि अभी प्रत्याशी हैं। तो बहुत जगह विजिट कर चुके हैं और हम आए हुए हैं कुआत नगर पंचायत में अभी, और हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर तीसरी बार जीत चुके हैं जो कि प्रत्याशी यहाँ पर मुख्य पार्षद के लिए। तो इस बार पैटर्न जो चेंज हुआ है, किस तरह से चुनावी कैंपेन चला रहे हैं और इस बार जो चुनाव जो हुआ है जो जनता वोट करेगी, पहले तो वार्ड लोग चूज करते थे कि जो मुख्य पार्षद हैं, लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है इसके बारे में और किस तरह से विकास कर रहे हैं और आगे किस तरह से विकास करेंगे, आइए हम जानते हैं ऐसे ही जो कि मुख्य पार्षद जो कि प्रत्याशी हैं। सबसे पहले सर आपको हमारे परसुमित लाइव में स्वागत है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र चौधरी हुआ। किस चीज़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम मुख्य पार्षद से लड़ रहे हैं। मुख्य पार्षद से लड़ रहे हैं? अच्छा, पहले चुनाव लगता है पता चला है कि 3 बार आप जीत चुके हैं। हाँ देखिए, पहले हम लोग को यहाँ नगर पंचायत में मतलब कि वार्ड वाइज चुनाव होता था, मतलब सभी वार्ड में जो वार्ड पार्षद जीतते थे और उसके बाद उसका बहुमत के अनुसार मुख्य पार्षद का मतलब कि जो चुनता था बहुमत से उसको मुख्य पार्षद के रूप में मतलब चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन इस बार अब हो गया कि मतलब कि सरकार द्वारा मतलब कि चेंज हो गया है और आया है कि मतलब कि जनता जिस तरह मुखिया का चुनाव होता है उस तरह होगा और वार्ड का जैसे वार्ड का भी चुनाव होगा, लेकिन वार्ड पार्षद मतलब रहेंगे, लेकिन अब डायरेक्ट पूरे वार्ड जितने भी नगर पंचायत हमारे सभी वार्ड मतलब कि जनता वोट देकर मुख्य पार्षद को डायरेक्ट चुनेगा, अब वार्ड द्वारा नहीं होगा। तो पहले तो आप केवल वार्ड के पास जाते थे, लेकिन आज के समय द्वार पर हर जनता के द्वार पर जाते होंगे पहले? हाँ, पहले तो हम लोग वार्ड में जीतते थे, उसके बाद फिर मान लीजिए चेयरमैन बनते थे तो पूरे वार्ड में विकास करते थे, पूरे वार्ड को देखते थे, लेकिन इस बार हमको मतलब हर जनता के पास जाना जाता है क्योंकि अब डायरेक्ट मतलब हो गया है, अब कोई वार्ड का मतलब कि मैटर नहीं है, जो वार्ड पार्षद है अपना वार्ड पर उम्र जा रहे हैं, हम लोग मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं और हम लोग जाते हैं और सभी लोग से मिलते हैं। और जो हमने 15 साल हमको यहाँ जनता नगर पंचायत में हमको 3 बार चेयरमैन अध्यक्ष के मतलब बनाने का दिया, सर पर मेरे मुकुट पहनाने का मिला, बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला। आप 15 साल में मतलब कि 5 साल पहले जो जीते हुए थे थोड़ा कठिनाई हुआ था हमको काम करने में, उतना मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन अब हमको आसानी से हर चीज़ मैं पटना या मतलब जिला में या कहीं भी फंड के लिए पैरवी कोई भी एस्टीमेट DPR होगा, चाहे कोई भी काम हो नगर का लाइट हो मतलब यहाँ। पहले 15 साल में आप जीते थे, किस तरह से कुआत नगर पंचायत के लिए विकास कर? देखिए 15 साल में यहाँ कुछ नहीं था जब जीते थे, तो पूरा जनता मेरा जनता है। मैं सबसे पहले तो मेरा कार्यालय नहीं था नगर पंचायत, भाड़ा पर चलता था, जगन्नारायण छत्रवास के कार्यालय भाड़ा पर एक मात्र रूम था। अब इतना अच्छा हम कार्यालय बनाए हैं कि कहीं कहीं आपको
नगर पंचायत में नहीं मिलेगा। पूरा टाइल्स वगैरह मतलब अच्छा ढंग से बनाए हैं, पूरा जनता यहाँ खुश है। उसके बाद पहले गाड़ी एक भी नहीं था नगर पंचायत में, मात्र एक जब बने थे ट्रैक्टर भी नहीं था, ट्रैक्टर से मैंने स्टार्ट किया। आज मेरे पास फॉगिंग मशीन है और 2 JCB है, मतलब लैट्रिन साफ करने वाला मशीन है, 10 गो मेरे पास गाड़ी है, कचरा ढोने वाला है, हर तरह सा पीट के काम है, मतलब सारा बहुत सामग्री मतलब मैंने खरीदा। पहले मेरे पास 5 मजदूर थे सफाई करने का, मेरे पास NGO द्वारा 50 मजदूर है। पहले हम नहीं थे तो कचरा बाजार में लगता रहता था, पूरा जनता बताएगा आपको। आज के डेट में पूरा जाइए नगर एकदम साफ सुथरा रहता है, मतलब कि जनता खुश है। आज के डेट में अगर हम वोट मांगने जाते हैं तो मेरा कहीं शिकायत नहीं मिलता है। हमको लगता है कि जनता फिर से हमको मतलब कोई मतलब ये नहीं है कि हम चेयरमैन हैं तो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, किसी जाति पाति में नहीं रहते हैं। जाति पाति तो लोग बनाया है लेकिन हम सबको मिला के चलते हैं और काम करते रहते हैं। गरीब को शादी ब्याह में मदद करते रहते हैं, हर साल 15 साल से छत वितरण करते रहते हैं, फल वितरण करते रहते हैं, नारियल ईख मतलब घाघर हरदम मतलब सेवा करते रहते हैं। और उसके बाद कोरोना महामारी था तो 20 लाख रुपये का लमसम अपने भगवान मुझे इतना दिए हैं, भगवान बाबा दादा का संपत्ति है कि उससे मैं कोरोना महामारी में मतलब नगर पंचायत में ही नहीं, दिनारा विधानसभा में कई जगह सिजपुरा दावत दिनारा गंज भसड़ा विक्रम जाकर मैंने राशन वितरण शाम्भू स्वास्थ्य केंद्र के लोग को और मीडिया के लोग को भी मैंने सम्मानित किया। और उसके बाद आपको मतलब कि जो बीमार पड़ जाता है, मैं मतलब कि कोई भी काम करेगा तभी आपके मतलब सामने बोलेगा, क्योंकि आपका न्यूज हर जगह सुनेगा। तो काम किया तभी ना 15 साल से अभी। जी जी, जब बीमार कोई पड़ जाता है तो उसको हर मतलब कि 5 हज़ार 10 हज़ार जितना होता है अपने पॉकेट से देते रहते हैं गरीब आदमी को, जिसको जरूरत है, मतलब कि कभी भी किसी कष्ट के लिए किसी को मतलब हम छोड़ते नहीं है। मैं पटना रहता हूँ, वहाँ भी जाता है तो गाड़ी घोड़ा मतलब जो भी है, कोई भी छठ मुहर्रम दशहरा रविदास जयंती हो मतलब हनुमान कोई भी होता है तो किसी शादी ब्याह में जाकर भी जी आवश्यकता अनुसार हमको जो समझ में आता है हर त्यौहार में जो मैंने बड़का मनोरंजन में भी साथ में हर तरह से मैं नगर में मिलजुल कर रहता हूँ। हमको कहीं भी हम घूम रहे हैं वोट के लिए, हमको लग रहा है ना कि सारे लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों घूम रहे हैं, इतना अच्छा काम किए हैं, जो काम करेगा उसी को हम बोलते हैं। हम जनता से बोल दिए अगर काम मेरा संतुष्ट होगा वोट दीजिए, अगर लगेगा नहीं हमको से कोई अच्छा आदमी है, आपको लगता है कि ज़्यादा काम करेगा तो उसको वोट दीजिएगा, हमको कोई वोट की जरूरत नहीं है। अगर काम किए होंगे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, क्योंकि अब हम जीतेंगे तो मेरे में नहीं जानिएगा, क्योंकि 15 साल से जीत चुके हैं। नया आदमी जीतेगा तो उसके बारे में जानिएगा कि हमसे अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। अब तो मेरा 1500 का रिकॉर्ड, मेरा 1500 का रिकॉर्ड पे ही दीजिए ना, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 15 साल में मैंने 5 साल में थोड़ा कम किया, 10वां साल कुछ ज़्यादा किया, 15वां साल कुछ ज़्यादा किया, 20वां साल में तो मैं और पूरे वार्ड को 1 साल में ही चमका दूंगा। जो काम बाकी हमारे दिमाग में है, कौन कौन सा मुद्दा होगा जो कि आप छूटा हुआ है 15 साल के बाद? हम सारे जगह नली गली बैठा, कहीं कहीं है जो पुराना नली गली ढैया कहीं कहीं रह गया, पीसी रह गया, उसको फिर से हमको 5 साल पहले 10 साल पहले उसको करवाना है। यहाँ पर कुछ नगर पंचायत में है जो शहरी क्षेत्र है जो पानी का निकासी के चलते मतलब कि खेतों में पानी लग जाता है, 200-400-500 बीघा पैदा नहीं होता है, मतलब यहाँ 20 साल से मतलब बंद था। जब से हम आए कोई भी यहाँ के विधायक मंत्री सांसद कोई कुछ नहीं किया। मैं जो भी काम किया हूँ जनता पूरा जानता है, मैं खुलेआम बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 हज़ार बीघा पैदा नहीं हो रहा था, जोगनी से कुरुमटोला तक 20 साल से जाम था, उसको सफाई कराया, अभी गुड्डी बहा है उसमें भी मतलब 500 बीघा पैदा नहीं होता, उसको भी साफ कराए हैं। पहले मैं बरसात के समस्या में मतलब पानी हम लगने के लिए मतलब कि नहीं चाहते हैं कि नगर में पानी हो, शहरी क्षेत्र है और पूरे इसको RPCC से ये मतलब नाला निर्माण किया पूरा करूँगा, पहल का मेरा अति है। और मतलब स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए क्या? शिक्षा में जैसे स्वास्थ्य में हमारे एक स्वास्थ्य अति है यह है उसमें मतलब अच्छा काम चल रहा है और विशेष इसमें मतलब कि ध्यान दूंगा और इसको अच्छा समय मतलब जनता के लिए सेवा के लिए सिविल सर्जन से मिलकर और डॉक्टर के लिए मतलब विशेष रूप से इस बार मतलब पूरा व्यवस्था करेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन हर चीज़ का व्यवस्था हो, बाहर नहीं जाना पड़े। शिक्षा के लिए? शिक्षा का मतलब हमारे पास मतलब कि मिडिल हाई स्कूल है, सब चीज़ है, इसमें पढ़ाई होता है और जहाँ भी दिक्कत होगा कोई शिकायत करता है तो मैं जाता हूँ और इसको विधिवत रूप से मैं चुनाव जीतने के बाद हर स्कूल में जाऊँगा, हर महीना में 2-4 बार जाकर विजिट करूँगा। मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि धनी मनी आदमी है तो कोई प्राइवेट में पढ़ा, गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, उसके लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। ऐसे शिक्षक ठीक है और शिक्षा में हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुधार करूँगा कि किसी को ये नहीं लगे कि हम मतलब कि सरकारी में पढ़ा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट में कोई अंतर न हो यही मतलब। बहुत बढ़िया बात बोले, जो कि आज के समय में प्राइवेट स्कूल भी है हमारे समाज में और सरकारी स्कूल में है, जो कि सरकारी स्कूल में भी इस तरह से सुदृढ़ किया जाए शिक्षा की, जो कि जो बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं ताकि अच्छे से सुविधा मतलब उनको मिल पाए शिक्षा के लिए और आगे बढ़े। वो देखिए
हम ये बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक आप देखिएगा लोग बदनाम करता है, बहुत सारा ऐसा शिक्षक है ना कि मतलब प्राइवेट से भी अच्छा पढ़ाते हैं, हम देखे हैं कुछ ऐसा शिक्षक लापरवाह होते हैं तो उनको हम लोग डांटते हैं, बोलते हैं कि सर इस तरह मत कीजिए, आपका भी बच्चा है। और जहाँ तक ये है कि मान लीजिए बच्चा पढ़ाने से नहीं होगा, गार्जियन भी है, बहुत लोग स्कूल नहीं विदा करते हैं, हाँ गार्जियन को स्कूल विदा करना चाहिए, तभी हमारा नगर पंचायत क्षेत्र कोई डीएम बनाते हैं, कोई मतलब अफसर बने, हमारा नगर का नाम होगा, गार्जियन का भी नाम होगा, और बच्चे को भी अपने गार्जियन के सुशासन में रहना चाहिए। और सुशासन में बच्चों को पढ़ाई से पहले कि सुशासन रखिएगा तब ना, मतलब पहले है कि जरूरी पढ़ाई लिखाई से पहले उसका अच्छा से रखिए, अच्छा माहौल में रखिए, और धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा, शहर के जैसा देहात में ही माहौल बनता जाएगा, खाली सोच में हम लोग का अंतर है। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पर क्वाद नगर पंचायत में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, हिंदू मुस्लिम किस तरह से यूनिटी बनाए रखिएगा? देखिए हमारे के यहाँ बहुत जगह सुनने में आता है कि हिंदू मुस्लिम, हमारे के यहाँ ये सब नहीं होता है, हम जब तक से एक भी झगड़ा FIR तक नहीं हुआ हिंदू मुसलमान में, और ना कभी होगा। और मेरा प्रण है हम लोग मिलजुल के भाईचारा की तरह रहते हैं, हम लोग और जगह सुनते हैं तो हम लोग खुद दुखित होते हैं कि हम लोग का नगर कैसा हम लोग मिलजुल चलाते हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि हमारा हर जाति से वोट मिल रहा है, इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कहीं हमको बात सुनने को नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए थोड़ा बड़ा शिकायत मिलता है तो मैं उसको नोट करता हूँ, फिर उसको दूर करूँगा। अंत में जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह से आपको सपोर्ट करें? यही अपील किए हैं कि अगर आपका काम किए हैं हकीकत में लगता है कि धर्मेंद्र चौधरी काम किया तो हमको वोट मिलना चाहिए, मेरे साथ अपराध नहीं होना चाहिए, मेरा हत्या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो सपा वोट न दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको गलत किए होंगे तो हमको सीख सिखाइए, अगर अच्छा किए हैं तो हम भाई बंधु से चाचा दादा बहन माँ से सबसे अपील है कि हमको मतलब काम किए हैं खुश हैं हमसे तो हमको मतलब कि जिताने का काम कीजिए, यहीं सब लोग का मतलब हाथ जोड़ के मैं विनती किया हूँ। अभी निर्णय लिया हूँ कि जीतने के बाद और मैं 15 साल का अनुभवी आदमी हूँ और पूरे वार्ड को चमकाने के काम करूँगा, मेरा वादा मेरा संकल्प। कौन सा सिंबल मिला है आपको इसमें? मेरे मिला ताला चाबी छाप मिला है, हाँ जी, धन्यवाद। और अभी हम मौजूद हैं जो कि क्वाथ नगर पंचायत में, जो कि अभी जो कि पूर्व जो कि चेयरमैन पर रह चुके हैं लगभग 15 साल से, और इनका कहना है ना कि हम क्वाथ नगर पंचायत में बहुत सारे जो विकास 15 साल से पहले नहीं हो रहा था हम अच्छे से काम किए हैं, और आने वाले समय में हमेशा जो स्वास्थ्य और शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पहल करेंगे आने वाले समय में, और भी जो भी समस्याएं हैं जनता की, भ्रष्टाचार है हमारे समाज में उसको दूर करेंगे, और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बोलें कि यहाँ पर किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की तरह रहते हैं लोग, यूनिटी है सभी लोगों के अंदर, और हर एक त्यौहारों में एक दूसरे के घर जाते हैं और आते हैं, और बहुत ही संघर्षशील हैं ताकि वो परिश्रम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तभी 15 साल अभी चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर क्वाथ नगर पंचायत से, तो इस तरह से हम प्रत्याशी से अभी मिले जो कि अभी क्वाथ नगर पंचायत से जो कि धर्मेंद्र चौधरी जी इनका नाम है, और काफ़ी युवा हैं और होनहार हैं जो कि यहाँ पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं और चेयरमैन प्रत्याशी हैं, इनसे जानने की कोशिश किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, पर सुमित लाइव न्यूज, थैंक यू, जय हिंद।